नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक्निकल ट्यूटोरियल में। इस वीडियो में आपको बताऊँगा मिरेकल बॉक्स के बारे में, कैसे इसे यूज कर सकते हैं। मैं इसका ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, ये इस ट्यूटोरियल का पार्ट थर्ड है। अगर आपने पार्ट वन और टू नहीं देखा है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ फुल एनर्जी एंड फुल एंथुजियाज। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम अपना मिरेकल सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरा मिरेकल सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। मैं आपको बता रहा था MTK के बारे में, ठीक है। MTK के बारे में हमने जान लिया था कि रीड इन फॉर रीड राइट फॉर्मेट और NV रीड NV राइट, इसके बारे में हमने जान लिया था। अब हम जानेंगे जो रिमेनिंग बच गए हैं उसको मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये बैड सॉफ्टवेयर के बारे में। तो फ्रेंड्स, बैड सॉफ्टवेयर से मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी मान लो कि आपका फ़ोन का सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया तो आप उसको सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके बिना डाटा को लॉस किए हुए आप उसको कर सकते हो। यहाँ से आपको तो प्रोसेस पता ही होगा, बैड सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको वो स्टॉक वाली रोम सेलेक्ट करनी है जहाँ भी आपने रखा हो। उसके बाद आपको फ़ोन को ऑफ़ करना है और स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है, इमिडिएटली वो ले लेता है, ठीक है। आपको अपना बूट सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी होता है बूट सेलेक्ट करना। अगर आपने गलत बूट सेलेक्ट कर लिया तो हो सकता है आपका फ़ोन डेड भी हो जाए। इन कोई नहीं, डेट भी अगर हो जाए फ़ोन तो आप यहाँ से उसको राइट कर सकते हो, ये सब तो आपको आता ही है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको बैड सॉफ्टवेयर के बारे में। अब मैं बताता हूँ आपको रीड TailBK के बारे में। तो रीड TailBK से आप अपने मतलब सॉफ्टवेयर जब करते हो तो आप उसका कॉन्टैक्ट भी रीड कर सकते हो और यहाँ से आप फिर दोबारा से कॉन्टैक्ट राइट कर सकते हो सॉफ्टवेयर फ्लैश करने के बाद। तो ये दोनों तो बिल्कुल बेसिक है, इससे तो मतलब नहीं है। और ये बैड फैक्ट्री वही है जो आप सॉफ्टवेयर अगर फॉर्मेट करते हो, वो कोई वायरस वगैरह हो गया है और सॉफ्टवेयर बार बार बैड फैक्ट्री हो रहा है, बैड फैक्ट्री मांग रहा है कि दिस ऑपरेटिंग सिस्टम बैड फैक्ट्री रिस्पॉन्डेड, ऐसे वगैरह आ रहा कुछ। तो आप यहाँ से बैड फैक्ट्री करके उसको आसानी से यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। और नेटवर्क अनलॉक मतलब फ्रेंड्स, जैसे कि IMEI अगर IMEI करेक्ट है और फिर भी नेटवर्क नॉट रजिस्टर्ड आ रहा है फ़ोन में और इमरजेंसी कॉल शो कर रहा है, तो आप यहाँ से नेटवर्क अनलॉक पे क्लिक करके यहाँ पर स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो नेटवर्क अनलॉक हो जाएगा। और ये कैलिब्रेशन फ्रेंड्स, जब फ़ोन पैकिंग वगैरह होती है किसी फ़ोन की तो स्क्रीन को टच के साथ ये कैलिब्रेशन करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो आप रीड LCD, राइट LCD, राइट LCD डिफ़ॉल्ट, मतलब जैसे है वैसे रख सकते हो यहाँ पर, या फिर कि कोई अच्छा वाला फ़ोन है उसको यहाँ से रीड करके फाइल को सेव करके दोबारा से आप यहाँ पर राइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका मतलब होता है। और मैं बताता हूँ आपको बूट लोडर अनलॉक करने का। तो बूट लोडर अनलॉक करना तो शायद आपको आता ही होगा, जैसे Xiaomi का फ़ोन वगैरह होता है, HTC का फ़ोन होता है, तो उसमें बूट लोडर लॉक रहता है। तो जब तक आप बूट लोडर को अनलॉक नहीं करोगे तब तक आप उसमें कस्टम रोम वगैरह नहीं डाल सकते और कस्टम रिकवरी भी नहीं डाल सकते। तो उसके लिए आपको बूट लोडर को अनलॉक करना पड़ता है और बहुत सारे मेथड होते हैं। Xiaomi के लिए तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप उसका अकाउंट बनाओ, फिर अकाउंट में फिर एक दो दिन का टाइम लेता है, फिर बूट लोडर अनलॉक होता है। तो आप यहाँ से सिंपली उसको बूट लोडर जो है वो आप अनलॉक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, रीड कोड सिम क्या होता है? रीड कोड सिम में आप कर सकते हो, जैसे कि कोई फ़ोन है उसमें आपका वो सिम कार्ड लॉक हो चुका है, ठीक है। सिम कार्ड लॉक हो चुका है, आपको कोड पता नहीं है और उस सॉफ्टवेयर को आपने यूज़ किया है, तो आप यहाँ से इस रीड कोड सिम को कलेक्ट करोगे और यहाँ से उसका जो कॉम्बिनेशन फाइल है वो सेलेक्ट करके आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। लेकिन हाँ, फिर से बता दूँ आपको, सही बूट सेलेक्ट करके आप कौन सा बूट आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है। और क्लियर कोड ADB का तो आपको पता होगा, नहीं भी पता तो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये क्लियर कोड ADB क्या होता है? तो फ्रेंड्स, ये क्लियर कोड ADB होता है, जैसे कि आप कभी सॉफ्टवेयर या फिर IMEI रिपेयर करते होगे तो उसमें आपने देखा होगा कि अलाउड USB डिबगिंग ऑन करना पड़ता है बार बार। तो आप यहाँ से क्लियर कोड ADB करके आप यहाँ से उसका जो फाइल है स्टॉक फाइल वो सेलेक्ट कर लो, देन आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे तो वो कोड जो है ADB का जो आता है वो नहीं आएगा और वो सिंपली रिमूव हो जाएगा। मतलब सिंपली ये है कि USB डिबगिंग आपको ऑन नहीं करना पड़ेगा FRP रिमूव करने के लिए, ठीक है। इसको आपको रिमूव करने के लिए USB डिबगिंग ऑन होना चाहिए, FRP रिमूव करने के लिए USB डिबगिंग ऑन होना चाहिए, और जिसको ये आसानी से इनेबल कर देता है। और ये बच गया लास्ट, अनलॉक सिम। अनलॉक सिम वही जैसे कि होता है, आपका सिम अगर लॉक हो गया है तो आप यहाँ से सिंपली उसको अनलॉक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहता हूँ।